आज हम सीखेंगे कि प्रेशर कुकर में कैबेज को कैसे बनाया जाता है, वो भी बहुत इजीली। मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। मैंने अब इसमें प्याज डाल दिया है। देख सकते हैं कि प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने अब इसमें टमाटर डाल दिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे पक रहे हैं और उसका पानी छूट रहा है। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। अब हम इसमें मिर्ची डाल देंगे। हम इसमें कैबेज डाल देंगे। मैंने कैबेज को और सबको अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। कैबेज और धनिया को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं करीब 3 टेबलस्पून पानी डालकर कुकर को बंद कर दूंगी। इसमें पानी डाल देते हैं। अब कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया है। एक सीटी हो गई। हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो लीजिए, कैबेज पक चुका है। लीजिए, अब हमारा कैबेज बिल्कुल तैयार हो चुका है।